हेलो गाइस, दिस इज़ अमरजीत सिंह फ्रॉम टीसीए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, बेसिकली जिसमें हम निकालते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डेट से एक पर्टिकुलर डेट की सेल्स निकालनी है। मान लीजिए मुझे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी डेट्स दे रखी हैं, मुझे प्रोडक्ट के नाम दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है और अमाउंट जो जनरेट हुआ है वो दे रखा है, किस स्टेट में जनरेट हुआ है वो दे रखा है। तो मुझसे कुछ पूछ लिया गया कि एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट का मुझे सेल्स बताओ क्या हुआ है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो डेट दे रखी है इनके यूनिक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ साइड में, तो यहाँ रखिए कर्सर को, डेटा पे जाइए, एडवांस पे जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाइए, लिस्ट रेंज पे जाइए और ऊपर से सिलेक्ट कर लो, इस पूरे को क्लिक करिए और कॉपी कहाँ करना है, हमें यहाँ करना है। क्या करना है, जो यूनिक रिकॉर्ड्स है वो करना है आपको। यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर आपके सारे यूनिक रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, देखिए अब सारे यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए आपके, तो वो यूनिक रिकॉर्ड्स अब मुझे यहाँ चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ जाइए और यूनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन पे जाकर यहाँ जाकर लिस्ट पे जाइए और सोर्स पे जाइए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करिए, ये पूरा की पूरा क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके करिए, तो आपका यहाँ पर ये लिस्ट बन जाएगा। ये देखिए यूनिक रिकॉर्ड का लिस्ट बन गया आपका, ठीक है। अब इसी को कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अभी आप देख रहे हो डेज की फॉर्म में ये आ रहा है, मुझे डेट्स की फॉर्म में चाहिए, तो राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट सेल पे चले जाइए आप यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेट सेल पे जाकर यहाँ पर आपको एक कस्टम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर सकते हो। डी डी एम 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 किया आपने और वाई 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 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका डेट का फॉर्मेट पता चल जाएगा। क्लिक करिए तो यहाँ पर आपका डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, देख रहे हैं आप, सारे डेट का फॉर्मेट आ गया आपको। अब मान लीजिए मुझे 1 जनवरी से लेकर, यह यहाँ 3 जैन है, ठीक है, और 3 जैन से लेकर मुझे जो डेट चाहिए 10 जैन तक का डेटा का सेल्स चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिया कि 3 जैन टू 10 जैन तक का मुझे टोटल जो सेल्स हुआ है वो चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, क्योंकि दो कंडीशन है, तो यहाँ पर हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और सबसे पहले देखिए बोल रहा है सम रेंज को सिलेक्ट करें, तो ये पूरा मेरा सम रेंज है, इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा पूरे को, फिर कोमा करूँगा और क्राइटेरिया रेंज 1 के बारे में ये पूछ रहा है। तो किस बेस पर निकाल रहा हूँ, डेट के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो मैंने डेट ले लिया है यहाँ पर। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कोमा, तो 3 तारीख से ऊपर वाले और 10 तारीख से नीचे वालों का डेटा मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड से इस डेट को जोड़ूंगा मैं यहाँ से, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, पहला क्राइटेरिया मेरा हो गया। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि दूसरे क्राइटेरिया में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ इस डेट से इस डेट की वैल्यू चाहिए। तो दोबारा से आप डेट ले लीजिए क्राइटेरिया फुल से, और फिर आपको दोबारा से क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ ग्रेटर देन लिया था, अभी यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल टू आप क्या ले लीजिए, एंड के साथ जो ये सेकेंड वाली डेट है इसको ले लीजिए आप। तो मेरे 2 क्राइटेरियाज यहाँ पर हो गए बेसिकली। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो अभी आप देखो 35,530 रुपये आपका टोटल आ गया 3 जैन से लेकर 10 जैन तक। एक बार फिल्टर लगा के देख लेते हैं कि हमारा डेटा ठीक है कि नहीं, फिल्टर लगा लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 जनवरी नहीं चाहिए, 3 जनवरी से लेकर और 10 जनवरी तक का मुझे डेटा चाहिए बेसिकली, देन ओके करिए आप यहाँ पर। और इसको मैं सिलेक्शन करूँगा यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे देखो 35,530, इट मीन्स ये मेरा डेटा बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरा ये बिल्कुल डेटा ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ और चाहिए कि ये जो डेट है 3 से लेकर 10 तक, वो यहाँ हाईलाइट भी हो जाए बेसिकली, जहाँ पर भी 3 से 10 तारीख तक हो वो सारा हाईलाइट हो जाए कि कहाँ कहाँ वो डेटा आया है। तो आप इसको सिलेक्शन करिए पूरे को, यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया आपने यहाँ तक। अभी आप होम मेनू पे जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्योंकि मुझे वो हाईलाइट करने हैं। कलर स्केल पे हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ मोर रूल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट मिलेगा, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सेल वैल्यू पहली जो डेट है ये वाली से लेकर जो दूसरी डेट है वो होनी चाहिए बेसिकली। और फॉर्मेट पे जाकर मुझे उसका कलर जो करना है फिल, मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर करना है, एंड देन ओके कर दूंगा, देन ओके करूंगा मैं यहाँ पर। तो अभी आप देखिए, देखिए 3 से लेकर 10 तारीख तक का ही डेटा कलर हुआ होगा यहाँ पर, देख रहे हैं आप, 3 से लेकर 10 तारीख तक का डेटा कवर हुआ है और कोई डेटा कवर नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो इसके आगे कि कुछ ऐड कर दो, जैसे रुपीज़ ऐड कर दूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में आप रुपीज़ ले लीजिए, ठीक है, और एंड के साथ जो भी वैल्यू आपकी आएगी सम इफ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको चाहिए, एंटर करिए, तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ आ जाएगा। अभी मैं चेंज करके यहाँ देखता हूँ ज़रा कि मुझे 4 से 10 का चाहिए, देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर,
या 4 से मान लीजिए मुझे 19 तक का चाहिए, तो यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेगा, यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।